सफ़र शुरू हुआ इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद जाने के लिए मैंने कराची से फ़्लाइट लेनी थी, जो थी 14 अगस्त वाले दिन। और 14 अगस्त को जिस तरीके का ट्रैफिक जैम था, तो मैं बस बोर्डिंग से 5 मिनट पहले पहुंचा। सब लोग बोर्ड हो चुके हैं और मुझे भाग भाग के जाना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दफ़ा मेरा नाम कॉल हो चुका है। मुझे ढूंढ ढूंढ के तो ये लोग ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं मैं जहाज़ का आखिरी पैसेंजर हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि किसका इंतज़ार हो रहा है। मुझे लग रहा है इमरान खान आने वाला है जहाज में। 1 मैं लैंड हो चुका हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। बाहर मेरा एक दोस्त मेरा वेट कर रहा है, काफ़ी देर से मेरा इंतजार कर रहा है। उधर से उसके 2 कॉल्स आ गई हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तो बाहर जाके उससे मिलते हैं, दैन बाकी सीन्स ऑन करते हैं। जिस दोस्त का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो ये रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असलम भाई? चलें कराची की तरह। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 14 अगस्त को यहाँ भी इस तरीके का ट्रैफिक जैम होगा, और वो जो बाजी की पाँव पाँव मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ वो मुझे यहाँ भी सुनने को मिलेगी। बट यहाँ पे बिल्ली बॉयज निकले हुए थे, और जो सफ़र मेरा होटल का 15 मिनट का था वो तकरीबन मुझे लग रहा है 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। तो ये है होटल की प्लाजो जो मैंने बुक कराया है booking.com से, और ये लोकेटेड है E11 में। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छी रेटिंग थी इनकी booking.com पे, और बहुत अच्छी जगह है। मेरा रूम है होटल डी प्लाजो का जो मैंने इस्लामाबाद में लिया है। ये रूम आपको आजकल क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हुआ है इस्लामाबाद में, तो 7,000 पर डे में मिल जाएगा, वरना यूजली ये होटल आपको 4,000 से 5,000 पर डे पे booking.com पे मिल जाएगा। लेकिन आजकल जो है वो मुहर्रम की छुट्टियां आई हुई हैं और आने वाली हैं मज़ीद 3 दिन की, तो इस वजह से जो है यहाँ पे होटल्स काफ़ी ज़्यादा बुक चल रहे हैं। तो ये रूम होटल दी प्लाजो, ये E11 इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो ये रूम आपको आजकल 7,000 रुपये पर डे में मिल रहा है booking.com से। अच्छा, मैं जब यहाँ डायरेक्ट आया था तो ये मुझे 8,000 पर डे में दे रहे थे, लेकिन booking.com वालों ने मुझे 7,000 पर डे में ये होटल दिया है इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो उस वक्त रात की 11 बज रहे हैं, और इस्लामाबाद में वीकेंड्स पे जो है वो डाइनिंग बंद कर दी है, बट कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे डाइनिंग खुली हुई है। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या खुला हुआ है, कुछ ना कुछ तो खुला ही होगा। गूगल मैप पे मैंने भी देखा है कि मेरे होटल के बहुत नियरेस्ट 2-3 अच्छे कैफ़े बने हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाय वॉक ही उसको डिस्कवर कर लूँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जिस जगह मैं आया हुआ हूँ उस जगह का नाम है द रूफ टॉप कैफ़े, और ये E11 में लोकेटेड है, और इसका व्यू वेरी अमेजिंग। और ये भी इस्लामाबाद में E11 में लोकेटेड है, तो अगर आप इस्लामाबाद आएँ तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और मुझे बड़ी मुश्किल से एक ऊबर मिली है एयरपोर्ट तक के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी वो रीस्केड्यूल हो गई है। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ उसका मेरी फ़्लाइट 7 बजे की थी आएगी, बट मौसम की वजह से वो रीस्केड्यूल हुई है तो 6 बजे की है। तो लेट्स गो टू स्कर्दू, स्टार्ट आवर ट्रिप। तो इट्स टाइम टू बोर्ड इन TIA फ्लाइट इस्लामाबाद टू स्कर्दू, जो कि 1 घंटे और 15 मिनट की है। इससे पहले मैंने TIA में ट्रैवल नहीं किया है और TIA को लेके बहुत बुरी वाइब्स आती है मुझे, बट इट्स आर नेशनल कैरियर, वी शुड रिस्पेक्ट इट। सो लेट्स गो। जो लेग स्पेस इस जहाज़ में दी गई है वो इतनी छोटी दी गई है कि मुझे नहीं लगता कि 45 मिनट्स में टांगों को इस तरह समेट के बैठा रहूँगा। तो अगर आपकी टांगें मुझसे लंबी हैं तो शायद आपको मेरी तरह तकलीफ़ होगी इस फ्लाइट में। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लैंड हो चुका हूँ इस्कर्दू एयरपोर्ट पे। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा मौसम है और TIA की दिन की 3 फ्लाइट्स होती हैं इस्लामाबाद टू इस्कर्दू, तो ये दिन की इनकी पहली फ़्लाइट है और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है इस्कर्दू का। है तो बहुत बड़ा बट अभी डेवलप नहीं है, बट आई गेस जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ इस्कर्दू सिटी की तरफ। इस्कर्दू अकेला आया हूँ तो मुझे ये डिस्कवर करने के लिए किसी टूर गाइड की ज़रूरत है, तो मैंने फेसबुक पे एक ट्रैवल एजेंसी देखी थी जिनका इस्कर्दू का पैकेज था, तो मैंने उनको कॉल करी इस्लामाबाद पे ही और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका टूर स्टार्ट हो चुका है, वो लोग कहीं घूमने गए हुए हैं। तो आज का दिन उन्होंने मुझे ड्राइवर और गाड़ी दी है अकेले घूमने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने होटल को चेक इन कर लूँ, उसके बाद जाऊँगा अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये मेरा रूम है इस्कर्दू का और मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे सारे रूम जो है वो वुडन बने होते हैं और बड़ा खूबसूरत सा ये रूम है। अच्छा, आप यूजली ग्रुप टूर्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये लोग शेयरिंग पे रूम्स देते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो उन्होंने मुझे एक इंडिविजुअल रूम दिया है, इसमें एक बालकनी भी दी है। यहाँ से जो बाहर का व्यू है वो तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। अच्छा जी, ये हमारे टूर गाइड हैं, आपका नाम क्या है? जुल्फिकार भाई हमारे टूर गाइड हैं। और जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है वो है इस्कर्दू सिटी टू देवसाय। इस्कर्दू सिटी से जो देवसाय का सफ़र है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे का है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड हैं वो बहुत ज़्यादा ही टूटे हुए और पथरीले रोड हैं, यहाँ पे कोई साफ रोड नहीं बना हुआ। अगर रोड अच्छा हो तो ये आई गेस 1 से 1.5 घंटे का सफ़र होगा, जो कि मेरा टूर गाइड मुझे बता रहा है। और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है और ये सबसे अच्छा टाइम है यहाँ पे आने का।
फिलहाल अभी हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसका क्या नाम है? दियोसाई। और वो स्कर्दू सिटी से कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे की ड्राइव है और टोटल रास्ता इसी तरीके का है? इससे भी खराब है। आज से 3 साल पहले लैंडस्लाइडिंग की वजह से खराब हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 8-9 होटल्स बने हुए थे, सारे दब गए, तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ दब चुकी हैं। तो अभी हम लोग जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट को कहते हैं सतपारा लेक। सतपारा लेक जी। तो फिलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं उस जगह का नाम है सतपारा लेक। आप स्कर्दू सिटी से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट मिलता है और यहाँ से पूरे स्कर्दू को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है क्योंकि ये डैम बन चुका है।